सूर्य उपासना का महापर्व गुरुवार को चौरी चौरा क्षेत्र में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि छठ का महापर्व अब अन्य त्योहार की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गया है। क्षेत्र में कई दर्जनों छठ घाटों पर लाखों श्रद्धालु छठ व्रती महिलाओं ने इस व्रत को पूरा किया है। चौरी चौरा क्षेत्र की विधायक संगीता यादव भी छठ घाटों पर पहुंची और सूर्य उपासना के महापर्व में शामिल हुई। विधायक ने कहा कि दीपावली से अधिक छठ के महापर्व के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। विधायक संगीता यादव ने जंगल गौरी नंबर 2, विश्वनाथपुर, रामपुर, रकबा सहित विधानसभा क्षेत्र के कई दर्जन जगहों पर व्रती महिलाओं से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। आगंतुक मेरे भाई बहन, छोटे भाई, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और इस कार्यक्रम को बहुत सफल रूप से संचालित करने वाले हमारे छोटे भाई सुमित पटेल नव निर्वाचित ग्राम प्रधान जी यहाँ उपस्थित, अभी जिनका हम लोगों ने कुशल संचालन देखा उनका, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे रामपुर रकबा के प्रधान जी सोन मौर्य जी, लक्ष्मणपुर के प्रधान सुमित निषाद जी, यहाँ उपस्थित अन्य मंत्रशील लोग और सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना। और यहाँ पर आज हमारे प्रशासन में आपके एसएसए झंगा भी आए हुए हैं, संतोष जी, उनका समस्त स्टाफ भी है जो आप लोग की सेवा में लगे हुए हैं, आप उनकी तरफ से भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और मैं अभी जैसे आपने एक सुना भी कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो पंडाल में लोग आपके सेवा में सब लोग उपस्थित है, और मैं इतना ही कहूँगी, देखिए छठवा ये सूर्य देवता का पर्व है और मैं ईश्वर से इतनी मनोकामना करूंगी, प्रार्थना भी करूंगी कि यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं सभी की इच्छा पूरी हो। और ये स्वच्छता का भी प्रतीक है इस त्योहार में, बहुत सारे मैं तो देख रही हूँ, आज अभी मैं गाड़ी से आ रही थी तो छोटे बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग सब लोग नंगे पैर बहुत श्रद्धा से सब सामान लेके चल रहे थे, और इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि इसके सामने तो अब दीपावली का त्योहार भी फीका पड़ता जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी, देखिए यहाँ सभी माताएं बहनें भी हैं, एक बैरिकेटिंग लगी है, कोई भी उसको पार ना करे, और जितने भी लोग संचार लगे मैं जब आ रहे थे हम लोग गाड़ी से, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि सब लोग बच्चे छोड़ के एकदम फ्री होकर चल रहे थे, तो सब लोग गाड़ी साधन भी लेके चल रहे हैं, सब लोग सावधानी से त्योहार मनाए कहीं कोई घटना दुर्घटना भी ना घटे। और मैं ज्यादा नहीं, आज राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ सभी लोग सौजन्य से जिनके माध्यम से सब कार्यक्रम कराया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों के लिए जिनकी चिंता की है, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, सभी को मेरा प्रणाम।